साई का खजाना खतरे में है? जी हाँ, आपने सही पढ़ा। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय मिराने, शिरडी टुडे पर आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण 17 मार्च से साई मंदिर को बंद किया गया है, जिसका बुरा असर साई मंदिर और शिरडी गांव की अर्थव्यवस्था पर हुआ है। जहाँ रोजाना हजारों की भीड़ होती थी, वो शिरडी गांव अभी सुन पड़ा हुआ है। साई मंदिर को रोजाना 1.5 करोड़ का चरावा आता था, पर अभी लॉकडाउन के कारण साई मंदिर को सिर्फ 3.25 करोड़ का चढ़ावा ऑनलाइन द्वारा प्राप्त हुआ। तो अभी हम जान लेते हैं कैसी है साई की अर्थव्यवस्था, कितना है साई का खजाना। आर्थिक वर्ष 2018-19 में साई संस्थान की कुल आय थी 690 करोड़, पर साई मंदिर के खर्चे है 608 करोड़। जी हाँ, आपने सही सुना, 608 करोड़ रुपए साई मंदिर के खर्चे हैं, जिसमें 175 करोड़ सिर्फ कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किए जाते हैं। पर बात यही पर नहीं रुकती, साई मंदिर की जो कुल आय है, जिसमें 151 करोड़ रुपए आते हैं ब्याज के रूप में, जो साई मंदिर ने 2236 करोड़ की जो एफडीआई बनाई है, पर राज्य सरकार और विविध एनजीओ की नजर उस 2236 करोड़ की एफडीओ पर है। पिछले सरकार ने साई मंदिर के पास नीलवंडे डैम के लिए 500 करोड़ की मांग की थी। इनकम टैक्स ने साई मंदिर को 400 करोड़ की नोटिस भेजी है। साई मंदिर के खुद के 400 करोड़ के प्रोजेक्ट चालू है। कुल मिलाकर ये खर्चे है 1300 करोड़ के। अगर साई मंदिर ये 1300 करोड़ के खर्चे सैंक्शन कर देता है, तो साई मंदिर बड़े आर्थिक संकट में आ सकता है। शिरडी साई मंदिर की अर्थव्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर है। यदि लॉकडाउन ज्यादा दिनों तक चला तो साई मंदिर के चढ़ावे पर बुरा असर पड़ेगा। चलिए इस बारे में ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी सचिन तांबे की राय जानेंगे। साई बाबा संस्थान का जो एफडी है, संचित निधि, वो लगभग 2200 करोड़ रुपए है। उसमें से साई बाबा संस्थान के जो विकासात्मक कार्य जो चल रहे, जैसे दर्शन लाइन है, एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, वो कम से कम 400 करोड़ रुपए के चल रहे हैं। साई बाबा संस्थान को यहाँ पर 400 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की भी नोटिस आई है, और साथ ही साथ साई बाबा संस्थान का जो कर्मचारियों का वेतन है, वो भी यहाँ पर लगभग 200 करोड़ रुपये है। और जो प्रपोजल है, जैसे कि नीलवंडे डैम है, उसके लिए साई बाबा संस्थान ने 500 करोड़ रुपए देने का यहाँ पर डिसीजन लिया है। इसके कारण साई बाबा संस्थान का जो संचित निधि है या एफडी जो है, उसमें से लगभग 1100 रुपए ऐसे ही खर्च हो रहे हैं। अगर ये परिस्थिति अगर कायम रही, तो साई बाबा संस्थान का जो रोजाना खर्चा है, वो लगभग 1 करोड़ रुपए है। भक्त आए या ना आए, ये खर्चा तो चल ही रहा है। उसके साथ ही साथ मेंटेनेंस चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, अन्य मेंटेनेंस हो, इसका बुरा असर आने वाले दिनों में साई बाबा संस्थान पर बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए इस आर्थिक संकट से कैसे दूर होना, ऐसी बहुत ही बड़ा प्रश्न यहाँ पर साई बाबा संस्थान के मैनेजमेंट के ओर हुआ है। और साथ ही साथ ये तो होगा ही, लेकिन साई बाबा संस्थान जो चैरिटी करता है, उसके ऊपर भी बुरा नतीजा यहाँ पर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। इसलिए ये हालात जल्द से जल्द सुधरने चाहिए, और साई बाबा संस्थान का जो अर्थव्यवहार है, वो ठीक से होना चाहिए। अगर नहीं होता है, तो इसका बुरा असर आने वाले दिनों पर साई बाबा संस्थान पर भी होगा और शिरडी ग्रामवासियों पर भी होगा।